कैरेक्टर अभी आपके लिए पेंडिंग है जो आपको प्ले करना है इन फ्यूचर? ऐसा कोई मतलब यार आई थिंक हम एज एक्टर्स, मैं तीनों के लिए कहना चाहूँगा, हम कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं तो यही प्ले करूँगा। जैसे कभी कभी हमसे पूछा जाता है कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा शो जो आप करना चाहते या आपको लगता आप बेटर करते, ऐसा कभी नहीं होता। आई थिंक एक कहानी आती है, वो कहानी कल को मुझे अगर एक लॉयर की कहानी आएगी या किसी और कैरेक्टर की कहानी आएगी तो मैं वो इसलिए बना नहीं कर दूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ। मैं कहानी चुनता हूँ, किरदार इज़ अ बोनस आई फील। ज़रूरी नहीं है कि मैं तो जी एक किरदार प्ले करना चाहूँगा, बट आई फील अगर मुझे बोलना होता कि अगर मुझे कुछ करना है तो पिन पॉइंट करना होता तो आई वुड लव टू प्ले अ पॉलिटिशियन बिकॉज आई लव पॉलिटिक्स। आई लव पॉलिटिक्स, लाइक आई रीड अबाउट इट, आई एक्टिवली रीड अबाउट इट्स एंड आई एम वेरी मेसमराइज बाय हाउ पॉलिटिशियंस आर। यार आई एम आई थिंक I shouldn't be saying that I'm overwhelmed. Ask us how he feels sitting next to this handsome hunk. But I genuinely, and I think it's not just about the way they look. I think they're just beautiful people. Aww. And I'm not saying it just for the heck of saying it because I've known Jennifer Adams. I had not known Reem. मैं रीम को जानता नहीं था, मैं रीम को अपने दोस्तों के through जानता था. And I think it's so much fun जब आप normal लोगों के साथ चिल कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मल रखना थोड़ा आसान नहीं होता। एंड हाउ यू नो टू अ लॉट ऑफ पीपल थिंक स्टार्स हैव और सेलिब्रिटीज हैव यू नो आर हाई हेडेड, आई थिंक उसमें अगर आप नॉर्मलसी में किसी के साथ जी सको, काम कर सको ना, उससे बेहतर चीज़ ही नहीं है। एंड दीज आर माई नॉर्मल पीपल। थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज। आई थिंक करण शुड डू दैट। करण, क्या